ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला भाजपा युवा मोर्चा ने सदर चुनाव क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने आम जनता को गुमराह करने वाली बयानबाजी बंद नहीं की तो उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर उनका घेराव किया जाएगा। जिला भाजपा युवा मोर्चा ने सदर चुनाव क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने आम जनता को गुमराह करने वाली बयानबाजी बंद नहीं की तो उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर उनका घेराव किया जाएगा। बिलासपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं विधायक सुभाष ठाकुर के नेतृत्व में कई कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाएं बिलासपुर जिले में लागू की जा रही है। विगत विधानसभा चुनावों में लोगों ने उन्हें 7,000 से अधिक वोटों से हराया था तथा लोकसभा चुनावों में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई है जिसमें वह बकलाहट में है। इसके कारण राजनीतिक रूप से जिंदा रखने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक के कार्यकाल में नशे के काले कारोबार को उनके परिवार के लोगों द्वारा संरक्षण दिया था, लेकिन जब से सुभाष ठाकुर विधायक बने हैं तब से चिट्टे जैसे नशे के काले कारोबार पर लगाम लग गई है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जिस तरह से ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उससे लग रहा है कि उनकी जो हार की बौखलाहट है, 7,000 वोटों से जो विधानसभा के चुनाव में हारे थे और बाद में अभी लोकसभा के चुनाव में सदर से 18,206 मतों की लीड भाई अनुराग ठाकुर जी को मिली है और अपनी ही पार्टी ने उन्हें नकारा है, वो इनके इन धरने प्रदर्शनों से झलकती है। वो अपने आप को स्थापित रखने के लिए लोगों को बहला फुसला कर इन धरने प्रदर्शनों में लाते हैं और मैक्सिमम लोग उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्टर और मशीनरी वाले लोग हैं जिनका धंधा पानी बंद हुआ है। जो 4 लेन का जिस तरह उन्होंने बेड़ा गर्क किया पिछले 5 सालों में, आज 4 लेन का काम बंद है और अभी भी वो पीछे एम्स के बाहर भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि आप इन धरने प्रदर्शनों को बंद कीजिए और एम्स का जो सुचारू रूप से काम चला है उसको चलने दीजिए और जिस तरह से जितने भी सदर कंस्टिट्यूएंसी में सुचारू रूप से काम चले हैं वो ढंग से चले हैं, उसमें सहयोग करें। नहीं तो आपके घर के बाहर आपका घेराव करेगा युवा मोर्चा जिला बिलासपुर और सदर का युवा मोर्चा आपके घर के बाहर आपका घेराव करेगा। और मैं साथ में यह कहना चाहता हूं, जिस तरह आपने पिछले 5 साल में आपको मौका मिला था, आप गुंडा तत्वों के साथ उनका सहयोग करते थे, काश अगर आप उस टाइम जनता का काम करते तो आप इस स्थिति में नहीं होते।